Now we are going to start exercise 1.3. Question first, estimate each of the following using general rule. इसमें एस्टिमेट करेंगे इन वैल्यूज को कैसे करते हैं देखते हैं अब देखिए इसमें अब सब जानते हैं ये वंस प्लेस का नंबर है टेंस हंड्रेड प्लेस का ये भी इसमें वंस टेंस हंड्रेड प्लेस तक नंबर है इस क्वेश्चन में। अब देखिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। जिस नंबर को हम राउंड ऑफ करते हैं अगर उसके बाद में 0, 1, 2, 3 एंड 4 आता है तब उसमें 1 ऐड नहीं करेंगे। अगर उसके बाद में 5, 6, 7, 8, 9 आता है तब उस कंडीशन में 1 को ऐड करेंगे। अब कैसे करते हैं ये हम क्वेश्चन में समझते हैं। इसका ध्यान रखना आपको। अब इसका कैसे यूज़ होगा क्वेश्चन में समझते हैं। देखिए अब इसमें लास्ट 100 प्लेस का नंबर है इसमें 100 प्लेस का नंबर है तो हमने लिखा है हमें 730 राउंड्स ऑफ टू 700। अब देखिए 700 कैसे हुआ है इसमें हमने 100 प्लेस के नंबर को राउंड ऑफ किया है इसमें 100 प्लेस तक नंबर्स हैं। अब जिस नंबर को हम राउंड ऑफ करते हैं उसके बाद में डिजिट देखते हैं अब 7 के बाद में कौन सा नंबर आ रहा 3 तो हमने लिखा था 3 यहाँ पर है। अगर 5 से कोई कम नंबर आ रहा है तो उस कंडीशन में हम इस 100 प्लेस के नंबर में 1 को ऐड नहीं करेंगे। एक बार समझो जिस नंबर को हम राउंड ऑफ करते हैं उसके बाद का नंबर चेक करते हैं 3 आ रहा है इसमें 5 से कम है तो इस कंडीशन में 1 में हम कुछ 7 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे 7 का 7 लिख देंगे और लास्ट के 2 नंबर्स हमें 0 करने हैं। अगर इसमें 1 ऐड करते हैं या नहीं करते हैं लेकिन 0 इसमें 2 नंबर करने ही करने हमें। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट 100 प्लेस में 9 इसके बाद में आ रहा 9 तो 5 से बड़ा नंबर है या 5 होता है तो उसमें 1 ऐड करते हैं तो 9 है तो 1 में अगर 9 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और लास्ट के 2 नंबर हमने 0 कर दिए 9 और 8 की जगह क्या लिखेंगे हम 0 0। अब प्लस का सिंबल है इसमें यहाँ लिखेंगे एस्टिमेटेड सम इक्वल्स टू 700 में अगर हम 1000 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1700। इस तरह से फर्स्ट पार्ट होता है। सेकंड पार्ट इसमें सबट्रैक्शन करेंगे इसमें भी 100 प्लेस का नंबर है इसमें भी 100 प्लेस का नंबर है तो यहाँ लिखेंगे 796 राउंड्स ऑफ टू 800। अब 800 कैसे हुआ इसमें अब देखिए 7 है यहाँ पर इसके बाद में 9 आ रहा है अगर 9 होता है तो इस कंडीशन में क्या करते हैं इस नंबर में 1 को ऐड कर देंगे। अगर 7 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 8 लिख दिया हमने और लास्ट 2 नंबर हमने 0 कर दिए 800 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 के बाद में चेक करते हैं 3 के बाद में 1 है अगर 1 होता है तो इस कंडीशन में 1 को ऐड नहीं करेंगे। इस 100 प्लेस के नंबर में 1 ऐड नहीं होगा 3 का 3 लिखा जाएगा और लास्ट के 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे 0। अब लिखेंगे अब एस्टिमेटेड डिफरेंस इक्वल टू अब 800 में से 300 को माइनस करते हैं क्या आएगा 500 आएगा। ठीक है अब नेक्स्ट सी ओ डी पार्ट है इसको मैं वैसे ही ओरली समझा रहा हूँ यहाँ पर लेकिन लैंग्वेज आपको लिखनी है यहाँ पर। अब देखिए इसमें लास्ट 1000 प्लेस का नंबर है यहाँ वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड तो सेम इसमें 1000 में राउंड ऑफ करते हैं इसको यहाँ तो 100 प्लेस के नंबर थे मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर 12904 इसको राउंड ऑफ करेंगे यहाँ पर लैंग्वेज आपको लिखनी है 2888। अब हम 1000 प्लेस के नंबर को राउंड ऑफ करेंगे अब देखिए 12000 प्लेस पर इसके बाद में क्या आ रहा 9 आ रहा है अब 9 आने पर क्या करेंगे इस नंबर में 1 को ऐड करेंगे अगर 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हुआ 3 तो आगे 1 है तो 12 प्लस 1 क्या हुए 13 और लास्ट में 3 नंबर से पहले 2 नंबर्स थे उसमें 1, 2 और 3 तो पीछे 0 कितनी आएंगी 3 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर 2 के बाद में 1000 प्लेस पर 2 है इसके बाद में 8 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे 8 जब होता है उसमें 1 ऐड करते हैं तो 3 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाए 2 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3 और लास्ट के 3 नंबर्स क्या हो जाएंगे 0। सिंबल इसमें प्लस का है तो ले देंगे एस्टिमेटेड सम इक्वल्स टू प्लस का सिंबल लगा देना ये जाएगा 16000। बाकी लैंग्वेज यहाँ से देख करके लिख सकते हो आप इसी भी समझ लेते हैं इसमें 1000 में राउंड ऑफ कर दो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड थाउजेंड नंबर लिखते हैं यहाँ पर 28292।
हम लगेंगे 28,292 राउंड्स ऑफ टू, वो नंबर लिखेंगे जो अभी लिखना हमें। अब देखिए यहाँ पर थाउजेंड प्लेस पर कौन सा नंबर है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड एट है, यहाँ पर वन है। अब इसके बाद में चेक करेंगे, अब एट के बाद में टू आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम वन को ऐड नहीं करेंगे इसमें टू में, एट में, तो एट का एट ट्वेंटी एट रहेगा ये, क्योंकि फाइव से छोटा नंबर है, ट्वेंटी एट लिख दिया हमने यहाँ पर, और लास्ट में थ्री नंबर से तो पीछे लगाएंगे थ्री जीरो। अब नेक्स्ट नंबर में थाउजेंड प्लेस के बाद क्या आ रहा है फोर, तो फोर आएगा तो वन एड इसमें नहीं करना, तो ट्वेंटी वन का ट्वेंटी वन रहेगा, और लास्ट में थ्री नंबर से इसकी क्या आ जाएंगी थ्री जीरो, वन टू थ्री। अब सिंबल था इसमें माइनस का, तो लिख देना यहाँ पे एस्टिमेटेड डिफरेंस इक्वल टू सेवन थाउजेंड। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, अब इसमें थ्री नंबर्स दिए हुए हैं फर्स्ट पार्ट में, इसको हमें पहले राउंड ऑफ करना है हंड्रेड में, फिर करना है टेन से, फिर इसका एस्टिमेट करेंगे, प्लस से तो प्लस करेंगे, माइनस से तो माइनस करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा है हमने यहाँ पर, एक तरफ लिखा है हमने नियरेस्ट हंड्रेड और साइड में लिखा है नियरेस्ट टेन्स। अब देखिए 439 को राउंड ऑफ करते हैं पहले नियरेस्ट हंड्रेड में। अब देखिए हंड्रेड पे इस पर क्या नंबर आ रहा है, वंस टेन्स हंड्रेड, फोर है, इसके बाद में क्या थ्री है, थ्री है, फाइव से छोटा नंबर, तो इसमें नंबर वन ऐड नहीं करना, फोर का रहेगा फोर, और लास्ट में आ जाएंगे दो जीरो। ठीक है, बट इसके हंड्रेड वाले राउंड ऑफ कर लेते हैं, यहाँ वंस टेंस हंड्रेड पे इस पर थ्री है, इसके बाद में आ रहा है थ्री, तो इसमें वन ऐड नहीं करना, क्योंकि फाइव से छोटा नंबर है टेन हंड्रेड प्लस के बाद में, थ्री का रहेगा थ्री, और लास्ट के दो नंबर हो जाएंगे जीरो। नेक्स्ट पर है वंस टेंस हंड्रेड पर थ्री, इसके बाद वन आ रहा है, फाइव से छोटा है इसलिए इसमें वन ऐड हमको नहीं करना, 43 का 43 लिख देंगे, और लास्ट के दो नंबर जीरो, और यहाँ पर लिखेंगे एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड सम। अगर माइनस का सिंबल होता है डिफरेंस लिख देते, ऐड करेंगे इनको 0 0 4 3 7 3 10 का जीरो कैरी वन। जब हम इसको 100 में राउंड ऑफ करते हैं तो इसका सम कितना आ गया 5000। अब इसको हम टेंस में राउंड ऑफ करते हैं, इसको हटा देते हैं एक बार। अब देखिए टेंस प्लेस पर हमें 3 है, इसके बाद चेक करना क्या रहा है, इसके बाद 3 के बाद 9 है, 5 से बड़ा नंबर, तो 3 में 1 ऐड किया क्या हो गया 4, तो 43 प्लस 1 44, और लास्ट में एक नंबर था उसकी जगह आ जाएगा 0। अगेन समझते हैं इसको, टेंस प्लेस पर 3 नंबर है वंस टेंस, इसके बाद में 9 है, 5 से बड़ा नंबर है, तो इस नंबर में 1 ऐड कर देंगे, 3 प्लस 1 4 हो गया, यहाँ 4 है ही पहले से 44, और लास्ट में आ जाएगा 0, 440 हो गया। अब इसमें 1 से 10 पर 3 है, इसके बाद में 4 है, 5 से छोटा नंबर है, इसलिए इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, 3 का 3 रहेगा 3 3, और लास्ट में आ जाएगा 0 3 3 0। नेक्स्ट है इसमें 1 से 10 इस पर, अब देखिए 1 के बाद में 7 है, तो 5 से बड़ा नंबर है, अगर हम 1 में 1 को ऐड करेंगे आएगा 2, इधर है 43, 4, 3, 1 ऐड करने पर 2 हो गया, 4, 3, 2, और लास्ट में आएगा 0, 4, 3, 2 एंड 0। अब इसका सम कर दो, इधर तो हमने 100 का सॉल्व कर लिया, 10 का सॉल्व करेंगे 0, 4, 3, 7 प्लस 2, 9, 7, 10 का 0 कैरी 1, ये जाएगा 5090। तो इसको जब हम 100 में राउंड ऑफ किया है, एस्टिमेट किया है, तो सम आता है इसका 5000, जब टेंस में करेंगे तो आ जाएगा 5090। अब देखिए इसके तीन पार्ट हो रहे हैं, वो आपको अपने आप सोल्व करने हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर। बी पार्ट है इसका 1,08,734, सेम इसी पैटर्न पर होंगे ये 599। सी पार्ट है 8,325-491। डी पार्ट है 489-348-। अब देखिए इसके थ्री पार्ट होने, आपको अपने आप सॉल्व करने, मैं इसको एक को और ले समझा देता हूँ।
देखिए पहले इस नंबर को लिखेंगे यहाँ पर 1,08,734 राउंड्स ऑफ टू, हमें ऊपर ये भी लिखना है नियरेस्ट 100, इसमें एक लाइन छोड़ देना है यहाँ पर इसको लिखने से पहले, एक तरफ नियरेस्ट 100 एक तरफ आ जाएगा नियरेस्ट टेंस। अब देखिए इस नंबर को हम अगर इसको हम 100 में राउंड ऑफ करते हैं तो 1 10 100 पर इसके बाद क्या रहा 3 है, 1 नहीं जोड़ेंगे तो आ जाएगा 108700 और ये हो जाएगा 1 10 100। 5 है इसके बाद में 9 है तो 9 को क्या करेंगे इसमें 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5 4 7 6 00, उसको माइनस कर देंगे इसका आंसर आ जाएगा। अब टेंस में इसको राउंड ऑफ करते हैं, टेंस प्लेस पर 3 है यहाँ पर 9 है, इसके बाद में 4 है 1 ऐड नहीं करेंगे, 5 से छोटा नंबर है तो जाएगा 108730 और इसके बाद में 9 है 1 ऐड करेंगे। अब देखिए अब 9 है, अगर 9 में हम 1 ऐड करते हैं तो क्या आएगा 10 आएगा। अब 10 का तो यहाँ 0 लिखा जाएगा, 1 कैरी को इस नेक्स्ट नंबर हम ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 10 लिख दिया कि 0 लिख दिया और लास्ट में हो जाएगा 0। अब दोबारा देख लो उसे, टेंस में राउंड ऑफ करेंगे, टेंस के बाद 9 आ, 9 में 9 5 से बड़ा नंबर तो इस नंबर में हम अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 10, 10 जो कैरी होगा 10 में जो 1 कैरी उसको नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देंगे और 0 आ जाएगा यहाँ पर और लास्ट नंबर 0 है ये। तो इसके बाकी के पार्ट आपको अपने आप करने हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा हूँ आपको, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर 578 मल्टीप्लाई 161। अब देखिए हमने इसको यहाँ पर 100 में राउंड ऑफ किया है तो 100 पे सर 5 है, इसके बाद में 7 है, 5 से बड़ा नंबर तो 5 में 1 ऐड कर देंगे, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 और लास्ट 2 नंबर हो जाएंगे 0। यहाँ पर 1 के बाद में 6 से 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, लास्ट 2 नंबर 0। अब एस्टिमेट में जब मल्टीप्लाई का सिंबल होता है तो क्या लिखेंगे एस्टिमेट प्रोडक्ट, तो 600 को जब हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1,20,000 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसमें, अब देखिए 5,281 मल्टीप्लाई 3,491। अब हमने क्या किया है इसको 1,000 में राउंड ऑफ किया है तो इसके बाद में 2 है, 5 से छोटा नंबर है, 1 ऐड नहीं करेंगे, 5 का रहेगा 5 तो लास्ट 2 नंबर क्या हो जाएंगे 0 तो इसका आ जाएगा 5,000। इसको हम करेंगे 100 में राउंड ऑफ तो 4 के बाद में क्या रहा 9, 1 ऐड कर देंगे, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5 तो 35 और लास्ट 2 नंबर 0 तो 3500 इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1,00,000, ये हो जाएगा 1,75,00,000 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमने इसको तो किया है 1,000 में राउंड ऑफ, इसको किया है 100 में राउंड ऑफ, हमने क्यों किया है ऐसा। अब देखिए हम इन दोनों को एक्चुअल मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो इसके आसपास आएगा। अगर हम इसको 1,000 में राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये 3,000 होगा तो इसके आसपास नहीं आएगा, 1,50,00,000 समथिंग आएगा आंसर जब इसको हम 1,000 में राउंड ऑफ करेंगे। तो ऐसा हमें ये भी देखना है कि जो इसका जो एक्चुअल मल्टीप्लाई है उसके आसपास इसका आंसर आना चाहिए, इसलिए हमने एक को 1,000 में राउंड ऑफ किया है और इसको हमने 100 में राउंड ऑफ किया। इसको नेक्स्ट को देखते हैं, ऐसे ही इसमें 100 को राउंड ऑफ कर देंगे, 2 के बाद में 9 आ रहा है तो 2 प्लस 1 हो जाएंगे 3 तो 12 प्लस 1 13 लास्ट 2 नंबर 0 1300 इसका आंसर आ गया। इसमें 5 के बाद में 9 आ रहा, 5 से ग्रेटर नंबर है तो 5 प्लस 1 6 तो 600 इसका आंसर आए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,80,000 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका जो एक्चुअल मल्टीप्लाई वो भी 3,00,000 के आसपास आएगा, इसलिए हमने इसको ये देखते हैं कि 9,250 किसके आसपास आ रहा है, 10,000 के आसपास आ रहा है, 100 के आसपास आ रहा है या 1,000 के आसपास आ रहा है, तो ये क्या 1,000 के आसपास आ रहा है। अगर 9 में 1 ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये नंबर क्या है 10,000 के आसपास आ रहा है, इसलिए हमने इसको 10,000 लिख दिया। और 29 किसके पास में है, 30 के पास में, इसको हम 30 लिख दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3,00,000, तो उसका आंसर आएगा 3,00,000। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।